दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गेन स्ट्रक्चर के बारे में। गेन स्ट्रक्चर होता क्या है, यूनिटी गेन होता क्या है, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में, क्योंकि हमारा जो प्रो ऑडियो सेक्शन है उसमें गेन स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर आप एक परफेक्ट गेन स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाते हैं तो आपकी साउंड क्वालिटी काफी इम्प्रूव्ड मिल सकती है। इसकी वजह से आपको अच्छा म्यूजिकल पंच भी मिल सकता है। सो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट हो, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम में आ सकता है तो बिल्कुल उनको शेयर कर दीजिए। और अगर आपको लगता है आपको इस चैनल में कुछ अच्छे कंटेंट देखने को मिलता है तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियो का जो लाइक का एम है, इस वीडियो को आपको 1500 लाइक्स करने हैं। इससे पहले कि हम गेन स्ट्रक्चर और यूनिटी गेन के बारे में जानें, हमें पहले जानना होगा इनपुट्स के बारे में, क्योंकि अगर आपने गेन स्ट्रक्चर सीख लिया, यूनिटी गेन भी सीख लिया, लेकिन अगर आपको इनपुट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तो सारे जो कुछ भी आपने गेन स्ट्रक्चर के बारे में सीखा है वो किसी काम में नहीं आएगा। हो सकता है आपको पता ही ना चले कि कौन सा इनपुट हमें किस में डालना है। और गेन स्ट्रक्चर का जो काम है वो चाहे आप लाइव साउंड का काम कर रहे हैं या फिर डीजे का काम कर रहे हैं, आपको दोनों केसेस में गेन स्ट्रक्चर परफेक्टली मेंटेन करने आने चाहिए। वैसे आमतौर से जो इनपुट्स होती हैं वो आपको तीन प्रकार की देखने को मिलती हैं। एक माइक इनपुट, दूसरा लाइन इनपुट और तीसरा फोनो इनपुट। फोनो इनपुट जो टर्न टेबल्स वगैरह के लिए डीजे में यूज होता है, और बाकी जो माइक इनपुट है वो लाइव मिक्सर में आपको देखने को मिलता है, और लाइन इनपुट दोनों लाइव और डीजे में देखने को मिलता है। सो इनपुट में पहले हमें दो इनपुट के बारे में जानना जरूरी है। एक है माइक इनपुट, दूसरा लाइन इनपुट। माइक इनपुट वो है जहां पे आपको एक माइक्रोफोन यूज करने की जरूरत है। अगर आप एक माइक्रोफोन यूज करना चाहते हैं, चाहे आप वोकलिस्ट के लिए हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हो, तो आपको वहां पे माइक इनपुट पे प्लग इन करना होगा। और लाइन इनपुट वो है जहां पे आपका एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कुछ प्ले हो रहा है, तो उस जगह पे आपको लाइन इनपुट में इनपुट करना होगा, क्योंकि इन दोनों में भी अंतर होते हैं। अंतर ये है, आपका माइक जो है जिसकी सेंसिटिविटी लाइन इनपुट से -16 dBU तक कम होता है, सो उस वजह से उसके लिए एक सेपरेटली इनपुट क्रिएट किया जाता है जो है माइक इनपुट, जिसमें इंटरनल प्रीएम्प्स होते हैं। उसकी वजह से उसका जो लेवल है उसको अप किया जाता है 16 dB तक। इसकी वजह से आप जब प्लग इन करते हैं और उसके बाद आप माइक्रोफोन में कुछ बोलते हैं तो वो प्रॉपरली सुनाई देता है। अगर आप कभी कोशिश करें एक माइक को आप अपने लाइन इनपुट में डाल रहे हैं तो वहां पे आपको गेन बहुत कम मिलेगा। रीजन ये है, आपका जो माइक है 16 dB तक लोअर सेंसिटिव है, तो इस वजह से आपका जो लाइन इनपुट है उस हिसाब से आपका गेन जो है वो मैच नहीं कर रहा। इस वजह से हो सकता है आप अपना जो गेन है उसको फुल खोल दें और उसके बाद भी आपको कम गेन मिले, जबकि आप जब एक माइक इनपुट में उसको लगाएंगे तो उस टाइम में हो सकता है आपको हाफ गेन से भी कम में आपका गेन स्ट्रक्चर बन जाए। इसको आप अगर चाहें तो आगे टेस्ट कर सकते हैं। और माइक इनपुट जो है उसमें इंटरनल प्रीएम्प्स होते हैं, इसकी वजह से वो जो कम गेन है उसको ऊपर किया जाता है, तो उस वजह से माइक इनपुट जो है आपको प्रॉपरली गेन दे देता है। और एक चीज हमें जान लेना चाहिए, हमें कभी एक लाइन इनपुट का जो सिग्नल है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, हो सकता है आप कीबोर्ड से पैड से आया हुआ सिग्नल को कभी भी एक माइक इनपुट में मत डालिए। उससे क्या होगा, माइक इनपुट में जो प्रीएम्प्स हैं उसकी वजह से आप जितना गेन सोचिए वो 0 dB में आ रहा है, तो जब आप माइक इनपुट में डालेंगे तो +16 dB तक वो चला जाएगा। इसकी वजह से आपको काफी सारे डिस्टॉर्शंस भी सुनने को मिल सकते हैं। आपका जो ऑडियो क्वालिटी है वो ऐसा लगेगा ऑडियो क्वालिटी काफी रूड सा आपको सुनने को मिलेगा। वहां पे आपको बहुत जल्दी आपका जो अगर वही चैनल में पिक इंडिकेटर है वो भी जलना स्टार्ट करेगा। हो सकता है आपका जो गेन है उसको आप 1-2 पॉइंट उठाने के बाद ही आपका गेन बहुत ही रूड आपको सुनने को मिले, तो उस टाइम में ये चीज को नोटिस कीजिए। आप जब भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का सिग्नल को ला रहे हैं तो उसको लाइन इनपुट में डालिए, और अगर आप एक माइक का सिग्नल को ला रहे हैं तो उस टाइम में आप माइक इनपुट का यूज कीजिए। इन दोनों को कभी मिक्स मत कीजिए, नहीं तो आपको परफेक्ट गेन स्ट्रक्चर बनाने में काफी दिक्कतें होंगी।
सो अभी हम जान लेते हैं गेन स्ट्रक्चर के बारे में। गेन स्ट्रक्चर यह है कि आपका जो इनपुट हो सकता है, आपने माइक इनपुट लिया हो या फिर लाइन इनपुट लिया हो, वहां से आपका इनपुट गेन हो गया। इनपुट गेन के बाद आपका फेडर में से आप जो सेंड कर रहे हैं गेन, फिर मास्टर आउटपुट को कितना आपको किस चैनल में गेन आपको मास्टर के लिए सेंड करना है। अभी मास्टर से जो सेंड हो रहा है, सोचिए आपने वहां से एक एक्टिव क्रॉसओवर उसके बाद यूज किया है तो वहां पे जा रहा है। अभी एक्टिव क्रॉसओवर में भी इनपुट गेन होता है, आउटपुट गेन होता है, और वहां से आपका एम्पलीफायर को जाता है और आप अपना एम्पलीफायर कितने गेन में चलाते हैं। तो ये है गेन स्ट्रक्चर। अभी हमें इन सबको कितने में मेंटेन करना है और हम कैसे जानेंगे कि हमारा गेन स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे रह रहा है, इस बारे में भी कैसे हम पता कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं गेन स्ट्रक्चर में। गेन स्ट्रक्चर आप समझ गए कि गेन स्ट्रक्चर आपका इनपुट गेन से लेके आपका स्पीकर सिस्टम तक जो जा रहा है, इस बीच जितने भी आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं और उन इक्विपमेंट का जो इनपुट गेन है, आउटपुट गेन है, ये सब गेन स्ट्रक्चर के अंदर में आ रहा है। अभी गेन स्ट्रक्चर में एक चीज है जो परफेक्ट गेन स्ट्रक्चर, परफेक्ट गेन स्ट्रक्चर के लिए एक वर्ड भी है जिसको हम यूनिटी गेन बोलते हैं, और यूनिटी गेन जो है वो आपका 0 dB में है। हर जगह पे अगर आप 0 dB का गेन मेंटेन कर पाए तो आपका वो परफेक्ट गेन स्ट्रक्चर यूनिटी गेन में आएगी। इसका मतलब ये है आप उसको यूनिटी गेन में चला रहे हैं। इसको कैसे मेंटेन करना होता है इसके बारे में जानते हैं। सोचिए आपने एक माइक इनपुट लिया है, मैं एक लाइव मिक्सर की बात कर रहा हूँ, वहां पे जो आपका वही पर्टिकुलर चैनल में एक PFL होता है, और PFL को क्लिक करने के बाद आपका वो वाला पर्टिकुलर चैनल, आपका जो सिग्नल इंडिकेटर है दोनों चैनल का, वहां पे आप देखेंगे सिर्फ वही चैनल का गेन कितना तक जा रहा है वो शो करता है। पहले हर वो इक्विपमेंट यूज करने के टाइम में आप हर चैनल का PFL जरूर चेक कीजिए, आपको इनपुट गेन कितना मिल रहा है। अभी आपको वहां पे 0 dB मेंटेन करना है, चाहे आप किसी चैनल में माइक इनपुट डाले हैं या फिर लाइन इनपुट डाले हैं, लेकिन हर चैनल का आप PFL चेक कर लीजिए। तो आप उस हिसाब से उसको पहले मेंटेन कर लीजिए, उसके बाद आपको अपने लाइव मिक्सर में AFL चेक करना होगा। AFL आप कैसे चेक करें, आपने PFL चेक करके यूनिटी गेन में उसको छोड़ दिया है। नेक्स्ट आपको मास्टर आउटपुट जो है उसको 0 dB में रखना है, और उसके बाद आप अपना वही पर्टिकुलर चैनल का जब फेडर को ऊपर करते जाएंगे तो 0 dB तक लेके जाने के बाद आप वहां पे देखेंगे AFL जो आपका सिग्नल इंडिकेटर है वहां पे यूनिटी गेन तक, मतलब 0 dB तक वो पहुंच जाएगा, और लाइन इनपुट में भी वैसा ही चेक कर सकते हैं। अभी इस टाइप में आपको हर चैनल का मेंटेन करना है, और नेक्स्ट इसको मेंटेन करने के बाद आपको नेक्स्ट अपने जो आउटपुट है जहां पे आप इसको डाल रहे हैं, सोचिए आपने क्रॉसओवर में डाला, वहां पे आपको इनपुट लेबल 0 dB पे रखना है। अभी आउटपुट लेबल को 0 dB में रखने से पहले आपको एम्पलीफायर का वॉल्यूम फुल रखना है वही पर्टिकुलर चैनल का। अगर सोचिए आप 2-way में यूज कर रहे हैं तो लो आउटपुट का पहले, उसके बाद आप हाई आउटपुट का कर रहे हैं, तो इस टाइप में अलग अलग एम्पलीफायर में गेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एम्पलीफायर में अगर आप फुल वॉल्यूम रखते हैं उसके बाद आप बढ़ा के जा रहे हैं तो उस टाइम में एक परफेक्ट पुश मिल पाएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा गेन स्ट्रक्चर मेंटेन करने के टाइम में थोड़ा 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 करके, सोचिए कहीं पे 1 dB एक्स्ट्रा चला गया, कहीं पे 2 dB एक्स्ट्रा चला गया, कहीं पे 0.5 dB आपका एक्स्ट्रा चला गया, तो उस टाइम में आप एम्पलीफायर का वॉल्यूम नहीं खोल पाएंगे सही से। वहां पे आपका आधे से ऊपर जाने के बाद आपका क्लिपिंग दिखाना स्टार्ट कर देगा, तो इस वजह से आपको पहले वहां पे फुल करना होगा और यहां से आप बढ़ा के जा सकते हैं। और टॉप और लाइन एरे के केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हो सकता है आप इनिशियल अगर स्टार्ट किए हैं, अगर आपको परफेक्टली गेन स्ट्रक्चर मेंटेन करना नहीं आता तो आप उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो वहां से फिर बाद में बढ़ा भी सकते हैं। सो अगर दोस्तों आप इस तरह से अपना गेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, काफी हाई डेफिनेशन ऑडियो क्वालिटी आप अचीव कर सकते हैं और आपका ऑडियो सुनने में काफी मजेदार रहेगी, आपको म्यूजिकल पंच भी अच्छा मिलेगा, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो में गेन स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक शेयर, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक इस तरह की बहुत सारे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स मिलती रहे। और आगे का जो वीडियो है उसमें हम आपको DVX-166 कंप्रेशन लिमिटर गेट, इसका पूरे डिटेल्स के साथ एक वीडियो लेके आने वाले हैं, और मैं उस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएं और अपने फील्ड पे भी उसको यूटिलाइज कर पाएं। सो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।